कृषि विभाग के घूसखोरों की खुली पोल, पीएम किसान सम्मान योजना नाम पर चल रहा रिश्वत का खेल, कृषि सलाहकार का वीडियो वायरल हुआ, बता रहा कौन कितना वसूलता है घूस। पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट फंगस एक साथ, पटना IGIMS के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई 2 मरीजों की जान। डॉक्टर बोले ब्लैक से कम खतरनाक है व्हाइट फंगस। नाले में मिली सिर कटी लाश, मधुबनी में 55 साल के अधेड़ का शव नाले में तैरता मिला, 2 थानों के सीमा विवाद में 5 घंटे तक फंसा रहा लाश। व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन, 2.5 घंटे सड़क जाम, मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों ने किया NH जाम, सुगौली में 2 दिनों से फंसे बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा। HDFC बैंक की रेकी कर रहा चोर गिरफ्तार, सिवान में शहर के बीचों बीच बैंक की रेकी कर रहे चोर को टाइगर पुलिस ने धर दबोचा, दूसरा फरार हो। पटना में कोरोना से 48 घंटे में कोई मौत नहीं, पीक पर आने के बाद कोरोना ने 24 घंटे में सबसे कम लोगों की जान ली, बिहार में 4 लोगों ने तोड़ा दम, 385 नए केस। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज का संपर्क कटा, गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से घटना सत्रघाट पुल की वापसी 2 स्थानों पर कट गया, CM ने साल भर पहले ही किया था उद्घाटन। जी आप सही सुन रहे, मोतिहारी में गंडक नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, इसके कारण केसरिया स्थित सत्रघाट पुल पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। DM के आदेश के बाद अप्रोच पद को 2 स्थानों पर काट दिया गया है, साथ ही लोगों के आवागमन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इस वजह से पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बीच सड़क का संपर्क टूट गया है। बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर जुबानी तंज, तेजस्वी ने कहा CM कुछ कह रहे हैं तो मंत्री कुछ और, यहां सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। JDU बोली तेजस्वी को निगेटिविटी की वैक्सीन लगी है। जी आप सही सुने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है, कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच का दावा, खरीद एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग आंकड़ा है और स्वास्थ्य विभाग का अलग आंकड़ा है। कृषि विभाग के घूसखोरों की खुली पोल, पीएम किसान सम्मान योजना नाम पर चल रहा रिश्वत का खेल, कृषि सलाहकार का वीडियो वायरल हुआ, बता रहा कौन कितना वसूलता है घूस। जी आप सही सुना, सिवाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि विभाग के सिपल सलाहारों की पोल खुल रही है, रिश्वत देने के बावजूद काम नहीं होने पर कृषि विभाग के एक कर्मी से लोग जवाब तलब करते नजर आ रहे हैं, उसे घेर कर पूछ रहे हैं कि पैसे देने के बाद भी आखिर काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। वीडियो के कर्मी अपनी सफाई देते हुए किस किस कर्मी से पैसा बांटा है इसका ब्यौरा देता है। दरअसल यह वीडियो महाराजगंज प्रखंड का है, वीडियो में कसदेरो पंचायत के कृषि सलाहकार अमित कुमार से सवाल जवाब कर रहे हैं। पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट फंगस एक साथ, पटना IGIMS के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई 2 मरीजों की जान। डॉक्टर बोले ब्लैक से कम खतरनाक है व्हाइट फंगस। आप सही सुन रहे, बिहार में पहली बार 2 मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगस एक साथ मिले हैं, दोनों संक्रमित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में भर्ती है। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी से दोनों मरीजों की शरीर से फंगस को अलग कर दिया है, दोनों मरीज अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब संस्थान एक साथ मिले ब्लैक एंड व्हाइट फंगस की स्टडी कर रही है। नाले में मिली सिर कटी लाश, मधुबनी में 55 साल के अधेड़ का शव नाले में तैरता मिला, 2 थानों के सीमा विवाद में 5 घंटे तक फंसा रहा लाश। जी आप सही सुन रहे, मधुबनी के खिरहर और बासुपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमा टोला और धरहर के बीच नाले में एक 55 वर्षीय अधेड़ की सिर कटी लाश मिली। बदहार स्थित नाले में तैरती लाश पर सुबह आसपास परिजनों की नजर पड़ी, जिसके बाद यह खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन, 2.5 घंटे सड़क जाम, मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों ने किया NH जाम, सुगौली में 2 दिनों से फंसे बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा।
बिहार में बाढ़ के कारण कई गांव में लोग फंसे हुए हैं। नदियां उफान पर है, इसलिए तेजी से कटाव हो रहा है। कई गांव पानी में डूब गया है। मोतिहारी के सुगोली प्रखंड में भी बाढ़ आ चुका है। सुकुल पाकड़ पंचायत के वार्ड नंबर 2 में चिल झपट्टी के लोग 2 दिनों से बाढ़ में फंसे हुए हैं। गांव से आने जाने का रास्ता टूट चुका है, इसलिए आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। HDFC बैंक की रेकी कर रहा चोर गिरफ्तार। सिवान में शहर के बीचों बीच बैंक की रेकी कर रहे चोर को टाइगर पुलिस ने धर दबोचा, दूसरा फरार हो गया। जी आप सही सुन रहे हैं, सिवान में शहर के बीचों बीच स्थित एक बैंक की पीछे कई दिनों से रेकी कर रहे चोर में से एक को टाइगर पुलिस ने शुक्रवार को धर दबोचा, जबकि दूसरा चोर फरार हो गया। इस गिरोह पर सिवान पुलिस से नजर रख रही थी। HDFC बैंक की शाखा में रेकी की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना में कोरोना से 48 घंटे में कोई मौत नहीं। पीक पर आने के बाद कोरोना ने 24 घंटे में सबसे कम लोगों की जान ली। बिहार में 4 लोगों ने तोड़ा दम, 385 नए केस मिले। जी आप सही सुन रहे हैं, कोरोना के पीक पर आने के बाद बिहार में सबसे कम मौत का आंकड़ा 17 जून को रहा। गुरुवार को पूरे राज्य में केवल 4 लोगों की मौत हुई, जबकि पटना में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। नए मामलों में भी काफी कमी आई है। 113,525 लोगों की जांच, मात्र 385 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सस्ते किराए में फिर से करें ट्रेन से सफर। जी आप सही सुन रहे, कोरोना के चलते बंद हुई 14 ट्रेनों का फिर से संचालन होगा। ज्यादातर यूपी बिहार के बीच दौड़ेंगी। 11 जून से की गई शेड्यूल्ड पूरी लिस्ट जारी। जी आप सही सुन रहे हैं, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब फिर से कम किराए में यात्री ट्रेनों से सफर कर सकेंगे। 21 जून से रेलवे प्रशासन अनारक्षित ट्रेन की सुविधा दोबारा शुरू कर रहा है। अब वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने ज्यादातर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। इनमें जनरल कोच वाली सभी ट्रेन शामिल थी। सासाराम नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी गिरफ्तार। 60 लाख रुपए के घोटाले का है आरोप। जी आप सही सुन रहे हैं, सासाराम नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। लगभग 60 लाख रुपए की हेरा फेरी करने के आरोप में उनकी कंचन देवी की गिरफ्तारी हुई है। पटना में 9 साल की बच्ची से रेप, छोटी बहन के सामने की दरिंदगी। आरोपी को दादा कहकर बुलाती थी मासूम। जी आप सही सुन रहे, पटना के जनकपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की शर्मनाक घटना सामने आई है। घटना किराए के मकान में रह रहे अधेर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मामला दबाने के लिए परिजनों को 3 लाख रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंच गए। मामला सामने आने के बाद जनकपुर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया है। राजस्थान से बिहार पहुंची बारात, 7 फेरे से पहले दूल्हे की असलियत पता लगी तो हो गई धुनाई, जाने पूरा मामला। जी आप सही सुन रहे, शादी बारात को लेकर वर ही नहीं वधु पक्ष भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लड़की पक्ष के द्वारा द्वार पर बारात पहुंचती है तो उसका धूमधाम से स्वागत भी किया जाता है। बिहार में भी राजस्थान से एक व्यक्ति की बारात आई थी, लड़की पक्ष ने बारात का स्वागत भी किया, लेकिन तभी वहां पर ग्रामीण आ पहुंचे। उन्होंने दूल्हे समेत बारातियों को पकड़ कर धून दिया। यहां पर कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, कारण पता लगते ही आपको जरूर बताया जाएगा। बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल वाले 2 लाख छात्रों को ग्रेस मार्क देकर किया पास। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BACB पटना ने बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंटल और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के करीब 2 लाख छात्रों को पास कर दिया है। बिहार बोर्ड ने बिना परीक्षा के अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया है। बिहार बोर्ड ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए छात्रों को पास करने का फैसला किया और आज कक्षा 10-12 का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी कर दिया है। कि इस जिले में खुलेंगे स्कूल, जानिए बच्चों और शिक्षकों को लेकर आदेश। जी हां आप सही सुन रहे हैं, बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी हो गया है। संक्रमण के चलते स्कूल आने पर शिक्षकों के लिए कई तरह की पाबंदी रखी गई है।
इनके बिना स्कूल आने वाले को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल में 50% शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही स्कूल को खोला जाएगा।